I coming? वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला। KGF चैप्टर 1 एंडर फिल्म रस्सी की मोस्ट सक्सेसफुल फिल्मों में से एक है, जिसको डायरेक्ट किया था प्रशांत नील ने। और इस फिल्म की सफलता के बाद मेकर्स ने इसके सीक्वल को बनाने में ज्यादा देरी नहीं की। कुछ महीनों पहले ही KGF चैप्टर 2 का टीजर मेकर्स ने रिलीज किया था, जिसने यूट्यूब पर आते ही कई रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। और ये टीजर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था। YouTube से लेकर Facebook तक हर कहीं KGF चैप्टर 2 का टीजर ही छाया हुआ था। ये यश के फैंस की दीवानगी ही है, जिसने KGF चैप्टर 2 के टीजर को कुछ ही घंटों में 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज दिला दिए थे। और KGF चैप्टर 2 के टीजर ने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक सभी को पीछे छोड़ दिया था। इतने कम टाइम में किसी भी टीजर को इतने ज्यादा बार नहीं देखा गया था। लेकिन आज इस वीडियो में हम KGF के टीजर के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कि इस फिल्म के एक्टर्स को कितनी सैलरीज दी गई हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रवीना टंडन की। रवीना टंडन इस फिल्म में इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनी हैं, जिनका इस फिल्म कैरेक्टर का नाम रामिका सेन है। और इस रोल को निभाने के लिए एक्ट्रेस ने 80 लाख रुपए चार्ज किए हैं। एक्ट्रेस ने इस फिल्म से जुड़ा अपना लुक भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, और यश के साथ उनकी फोटो भी काफी वायरल हुई थी। बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त को उनकी एक्टिंग और डैशिंग लुक्स के लिए जाना जाता है, और KGF 2 में एक्टर के लुक ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इस फिल्म में संजू बाबा अधीरा का किरदार निभा रहे हैं, जो कि फिल्म का एंटागोनिस्ट है। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो संजय दत्त ने इस मूवी के लिए 13 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, जो कि एक काफी बड़ा अमाउंट है। श्रीनिधि शेट्टी इस फिल्म का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। KGF चैप्टर 1 में एक्ट्रेस ने रीना देसाई का किरदार निभाया था, और KGF चैप्टर 2 में भी वो एक अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। एक्ट्रेस इस फिल्म में यश AKA रॉकी की लव इंटरेस्ट की भूमिका निभा रही हैं, और इस फिल्म को करने के लिए एक्ट्रेस ने 3 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। सुपरस्टार यश इस फिल्म के मेन लीड हैं। यश इस फिल्म में रॉकी का किरदार निभा रहे हैं। KGF चैप्टर 1 की सफलता के बाद ही यश एक पैन इंडिया स्टार बन गए थे, और एक्टर को कई बॉलीवुड मूवीज के भी ऑफर्स आ रहे हैं। यश ने इस फिल्म में की गई अपनी एक्टिंग, डांस और लुक से लोगों का दिल जीता था। और KGF चैप्टर 1 कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनकर सामने आई थी, जिसने टोटल 250 करोड़ की कमाई करी थी। लेकिन वहीं हम बात करें यश को दिए गए KGF चैप्टर 2 में अमाउंट की, तो इस फिल्म पार्ट 1 के मुकाबले यश को डबल अमाउंट दिया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो KGF चैप्टर 1 में यश को 15 करोड़ रुपए दिए गए थे, और KGF चैप्टर 2 में यश को 30 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये थे KGF चैप्टर 2 के एक्टर्स और उनको दी जाने वाली सैलरीज। वहीं बात करें अगर इन सेलेब्स के बाकी के प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो रवीना टंडन नेटफ्लिक्स सीरीज आरण्यक से अपना डिजिटल डेब्यू करने वाली हैं, जिसमें पुलिस वाली के अवतार में नजर आएंगी। वहीं अगर बात करें श्रीनिधि शेट्टी की, तो एक्टर जल्दी नजर आने वाली हैं विक्रम की मूवी कोबरा में। संजू बाबा भी अपने काफी मूवी प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं, और वो जल्दी नजर आएंगे बॉयज ऑफ प्राइड ऑफ इंडिया, शमशेरा और पृथ्वीराज जैसी मूवीज में। वहीं अगर बात करें यश के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, तो एक्टर इस टाइम पर सिर्फ अपनी आने वाली फिल्म KGF चैप्टर 2 पर ही फोकस कर रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा बताएं हमें कमेंट्स में। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी फिल्मी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा।